नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम आपको बताएंगे अलग अलग जिन्सों के भाव और पैदावार की स्थिति, और आज खास तौर से बात होगी गेहूं, प्याज, अरहर और मूंगफली की। जीरे और कपास पर भी होगी हमारी नजर। इनके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक बरकरार, भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। सीमित दायरे में रहा अरहर का कारोबार, कई मंडियों में दिखी भाव में स्थिरता। जारी है मूंगफली की सरकारी खरीद, अकेले ओडिशा से हुई 2000 टन से भी ज्यादा की खरीदारी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर, मक्का और उड़द का बाजार, लेकिन शुरुआत करेंगे गेहूं के बाजार से। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की अच्छी आवक हो रही है, लेकिन भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। दूसरी ओर सरकारी गोदामों में गेहूं का अच्छा खासा भंडार मौजूद है और इस साल पैदावार में भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में, आइए जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जुलाई के दौरान रोजाना 700 से 800 टन गेहूं पहुंच रहा है, जबकि भाव पिछले एक हफ्ते से 1925 रुपए पर बना हुआ है। हापुड़ की अनाज मंडी में आवक 200 टन से ज्यादा हो रही है, यहां भाव स्थिर हैं। 31 जुलाई को यहां गेहूं के सौदे 1930 रुपए पर हुए, एक दिन पहले भी यही भाव था, जबकि लखीमपुर मंडी में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 30 जुलाई को यहां गेहूं का भाव 1930 रुपए था, जो 31 जुलाई को 1920 रुपए रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी जुलाई के दौरान 700 से 800 टन आवक रही, जबकि भाव में 40 रुपए की मजबूती आई। यहां 31 जुलाई को गेहूं का भाव 1700 रुपए था, जो 31 जुलाई को बढ़कर 1740 रुपए हो गया, जबकि इसी राज्य की लालसोट मंडी में 6 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 30 जुलाई को यहां गेहूं के सौदे 1666 रुपए पर हुए, जबकि 31 जुलाई को भाव रहा 1660 रुपए। मध्य प्रदेश की खुजनैर मंडी में भी गेहूं कमजोर हुआ। 30 जुलाई को यहां एक क्विंटल गेहूं का भाव 1662 रुपए पर था, जो 31 जुलाई को 7 रुपए की गिरावट के बाद 1655 रह गया। हालांकि राज्य की शाजापुर मंडी में गेहूं 51 रुपए मजबूत हुआ। 30 जुलाई को इसके सौदे 1651 रुपए पर हुए थे, जो 31 जुलाई को 1702 रुपए हो गया। पोषण और खाद्य सुरक्षा में गेहूं का अहम योगदान है, यही वजह है कि सरकार हर साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती है। एक तो किसानों को अच्छा भाव मिल जाता है और दूसरे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद जनता तक अनाज पहुंच जाता है, इसलिए सरकार इसका भंडारण करके रखती है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार गेहूं का काफी स्टॉक मौजूद है। जून महीने तक सरकारी गोदामों में कुल 558,25,000 टन गेहूं का भंडार है। दूसरी ओर इस बार गेहूं के पैदावार में पिछले साल के मुकाबले करीब 11.5 लाख टन बढ़ोतरी की संभावना है। गेहूं के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में मक्का के बाजार के भाव का हाल किस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी की, तो बता दें आपको यहां पर मक्का का भाव दर्ज किया गया 1070 रुपए। इसके साथ ही यहां की बिलसी मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बिकवाली हुई 1130 रुपए पर। इसके साथ ही पंजाब की नवांशहर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1050 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की हनागल मंडी की, तो बता दें आपको यहां पर इसका भाव दर्ज किया गया 1200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं उड़द के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की, तो बता दें आपको यहां पर उड़द का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,700 रुपए। इसके साथ ही यहां की मेरठ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां इसकी बिकवाली हुई 8,150 रुपए पर। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की ही अजूहा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 6,650 रुपए पर। वहीं रुक करेंगे गुजरात की तारापुर मंडी का, तो
बता दें आपको, यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 4,635 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। उड़द के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में अरहर के बाजार की। तो बता दें आपको कि अरहर की आवक काफी कम चल रही है और भाव भी सीमित दायरे में बने हुए हैं। बहुत सी उपज मंडियों में तो स्थिरता देखी जा रही है और वहीं दूसरी ओर अगर इस बार हम इसकी बुआई की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। की आवक इन दिनों कम है, इसलिए इसके कारोबार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। शुक्रवार को बहुत ही कम मंडियों में अरहर पहुंची। भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे पिछले एक हफ्ते से दायरे में बने हुए हैं। 31 जुलाई को यहां अरहर का भाव 5,325 रुपए था। एक दिन पहले भी यहां अरहर इसी भाव पर बिक रही थी। दूसरी ओर इसी राज्य की बदायूं मंडी में दो हफ्तों के दौरान भाव 19 रुपए गिरे हैं, जिसके बाद अरहर के सौदे 5,810 रुपए पर हुए, जबकि 17 जुलाई को भाव था 5,829 रुपए। कानपुर मंडी में अरहर संभली है। 31 जुलाई को यहां इसके भाव 50 रुपए की बढ़त के बाद 5,500 रुपए पर पहुंच गए, जबकि एक दिन पहले अरहर 5,450 रुपए पर कारोबार कर रही थी। गुजरात की दाहोद मंडी में भी अरहर के सौदे सीमित दायरे में हैं। यहां पिछले दो दिनों के दौरान भाव में कोई बदलाव नहीं आया और सौदे 5,000 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में भी भाव स्थिर ही रहे। यहां 30 और 31 जुलाई को अरहर ने 5,250 रुपए पर कारोबार किया। राजस्थान की लालसोट मंडी में पिछले पाँच दिनों के दौरान 17 रुपए का इजाफा हुआ है। 26 जुलाई को यहां अरहर के सौदे 3,800 रुपए पर हुए, जो 31 जुलाई तक आते आते 3,817 रुपए हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव 7,500 रुपए पर स्थिर है। बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-2021 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 24 जुलाई तक अरहर की कुल बुआई 36,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये आंकड़ा 28,10,000 हेक्टेयर रहा था। इसका मतलब हुआ कि पिछले साल से अब तक 8,70,000 हेक्टेयर अधिक जमीन पर फसल लग चुकी है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्याज और मूंगफली की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी प्याज, धनिया और कैस्टर सीड की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। बता दें आपको कि मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं 24 जुलाई तक मूंगफली का रकबा 42,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। वहीं देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस बार बढ़त दर्ज की गई है। बता दें साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान
मूंगफली के निर्यात में 1,75,000 टन से अधिक का इजाफा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि इन दिनों नेफेड की ओर से भी मूंगफली की खरीद लगातार जारी है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते दो दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में उतार चढ़ाव बना रहा। ज्यादातर राज्यों की मंडियों में मूंगफली के सौदे उठा पटक के साथ हुए। बीते दिन मूंगफली की आवक भी मंडियों में सुस्त ही रही। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में इसकी बुआई में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के 24 जुलाई तक जारी किए आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई 15,04,000 हेक्टेयर बढ़कर 42,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 27,24,000 हेक्टेयर रहा था। हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 30 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,250 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,275 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 31 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,750 रुपए, जो 30 जुलाई को 4,780 रुपए था। मूंगफली के भाव में गिरावट का सिलसिला उत्तर प्रदेश की ही मैनपुर मंडी में भी बना रहा। यहां गुरुवार को मूंगफली 4,800 रुपए पर बिकी। शुक्रवार को इसका भाव 40 रुपए टूटकर 4,760 रुपए पर आ गया। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल उड़ीसा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 29 जुलाई तक उड़ीसा राज्य से ही 2,068 टन की मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। बताते चलें कि साल 2019-20 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। निर्यात में करीब 1,75,243 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं अरंडी बीच के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले यहां बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। तो बता दें आपको यहां पर इसका भाव दर्ज किया गया 3,912 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं रापर मंडी की तो बता दें यहां पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई 3,900 रुपए पर। और वहीं बात की जाए हलवद मंडी की तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 3,850 रुपए पर। साथ ही अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो बताएं आपको यहां पर इसकी बिकवाली हुई 3,350 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं प्याज के बाजार की। तो बता दें आपको कि इस साल देश में प्याज की उपज में बढ़त की संभावनाएं हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार प्याज की पैदावार 2,67,00,000 टन से भी अधिक की हो सकती है। वहीं 12 महीनों के दौरान सब्जियों का निर्यात काफी घटा है। दूसरी ओर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। ऐसे में कैसी स्थिति बनी हुई है इसके बाजार की, जानने के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। अधिकतर मंडियों में इन दिनों प्याज के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। कृषि उपज मंडियों में फिलहाल प्याज की आवक सीमित है। एक मार्केट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 30 जुलाई को प्याज का भाव रहा 750 रुपए। 31 जुलाई को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 750 रुपए पर बरकरार रहा। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव नीचे आए। यहां 31 जुलाई को प्याज का भाव रहा 600 रुपए,
जो 30 जुलाई को 700 रुपए था। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीते दो दिनों के दौरान प्याज के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां गुरुवार को प्याज का भाव था 1044 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 6 रुपए की हल्की बढ़त रही और भाव हो गया 1050 रुपए। इसकी उपज की बात करें तो इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। तो जाना आपने अभी प्याज के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी जीरे के बाजार की। बता दें आपको, शुक्रवार को गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक बनी रही। वहीं इसके अलावा किसी और राज्य में कोई खास आवक दर्ज नहीं की गई। बात अगर इसके भाव की जाए तो एक मार्क नेट पर अलग अलग मंडियों में इसके भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की, तो यहाँ पर इसका भाव दर्ज किया गया 12,000 रुपए। और यहीं की राधनपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां इसका भाव दर्ज किया गया 12,250 रुपए। और इसके साथ ही हम बात करें वाघ मंडी की, तो यहां पर इसका भाव दर्ज किया गया 11,625 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो इसके सौदे दर्ज किए गए 11,650 रुपए पर। कृषि मंत्रालय ने जीरे की उपज में 1% से ज्यादा की कमी का अनुमान लगाया है। बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन का रहा था। तो जाना आपने जीरे के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं टमाटर के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तिफरा मंडी की, तो बता दें आपको यहां टमाटर का हाल रहा 2,600 रुपए। इसके साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,558 रुपए पर। और इसके साथ ही पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात की जाए तो इसके सौदे दर्ज किए गए 2,100 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की हम बात करें तो इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर के बाद आइए अब आपको बता देते हैं मूंग के बाजार का हाल। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की, तो यहां पर मूंग का भाव दर्ज किया गया 5,800 रुपए पर। और यहीं की हाथरस मंडी की अगर हम बात करें तो यहां भी इसका भाव रहा 5,800 रुपए। जबकि गुजरात की तारापुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 4,635 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको कपास के बाजार के हाल के बारे में बता देते हैं। कपास की पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां तक कि सरकार ने उपज का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे भी ज्यादा पैदावार इस साल हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में कपास की कुल उपज 360,48,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल यानी वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा
280,42,000 टन का रहा था। इस बार सरकार ने 357,50,000 टन का उपज लक्ष्य निर्धारित किया था। अगर हम बात इसके भाव की करते हैं तो एक मार्कनेट पर शुक्रवार को अलग अलग मंडियों में कपास के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। गुजरात की गोंडल मंडी की बात करें तो यहां इसका भाव दर्ज किया गया 4,080 रुपए और यहीं की बोटाद मंडी में इसका भाव रहा 4,220 रुपए। जबकि राजकोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 4,425 रुपए पर और वहीं कर्नाटक की रायचूर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।